कानून है, ये कानून को भी झारखंड में इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक एक घुसपैठी जातिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए ये नहीं हो रहा है। मेरा मानना है जो प्रचलित कानून है उनको तो क्रियान्वित करना ही है। हमारा बीजेपी सरकार आने का बाद यही भी सोचना चाहिए कि क्या आदिवासी बेटियों को घुसपैठियों का साथ शादी कराने के लिए ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो सिस्टम में किसी का शोषण ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कहा सिस्टम बनाने का जरूरत है। देखिए, आप लोग एक गलत बातें बोल रहा है। सेंट्रल फोर्सेस कोई घुसपैठियों को रोक नहीं सकता है। ये जो जेएमएम एक गलत आपको बात बोल रहा है उसके लिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता, दो मिनट सुन लीजिए। देश का घुसपैठिया पहले असम आते हैं, पहले वेस्ट बंगाल आते हैं, उसका बाद झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जाते हैं। जो घुसपैठियों को रुकाने के लिए जो जिम्मेदारी होता है, वो जिम्मेदारी जब इंटरनेशनल बॉर्डर से आते हैं तब तक बीएसएफ का होता है, लेकिन जब एक बार अंदर आ चुका है उसका बाद स्टेट गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होता है। झारखंड हाईकोर्ट ने भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि आप डिटेक्ट कीजिए, आप डिपोर्टेशन कीजिए। डिटेक्शन एंड डिपोर्टेशन इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नॉट ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आप झारखंड का जो स्पोक्स पर्सन मीडिया को आप लोगों को बाइट देते हैं, आप उनको पूछिए कि फॉरेनर्स कानून हमारा सामने लाइए, और फॉरेनर्स कानून में क्या लिखा है, जो घुसपैठी घुस चुका है झारखंड में, मान लीजिए खूंटी में दो घुसपैठी घुस चुका है, उसको निकालने का काम भारत सरकार नहीं कर सकता है। इसको निकालने का अधिकार खाली स्टेट गवर्नमेंट का होता है। मैं असम में वो काम डेली करता हूं। तो इसीलिए आप जिम्मा नहीं पालन करेगा और आप बोलेगा दिल्ली करे, तो आप क्यों कुर्सी में है? आप कुर्सी छोड़ दो, हम लोग करेगा।